विधानसभा चुनाव को लेकर अब गांव-गांव में चुनावी रंगत जोड़ पकड़ने लगा है। सूरजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जता रहे अरविंद कुमार बलवद्दा पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को सिंगाणा कस्बे के बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। इससे पहले काकोड़ा गांव में अरविंद का माला पहनाकर व साफा पहनाकर ग्रामीणों ने सम्मान किया। युवाओं ने भी बाबा श्याम की तस्वीर भेंट कर समर्थन दिया। अरविंद ने काकोड़ा गांव में श्याम मंदिर में धोक लगाकर मन्नत भी मांगी। सिंगाणा कस्बे में जनसंपर्क के दौरान बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया तो युवाओं से गले मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में किए गए कार्यों व नीतियों योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया और अरविंद ने कहा कि हमें जिताओ, हम आपके हर संकट में खड़े रहेंगे। सिंगाणा जनसंपर्क के बाद अरविंद कुमार गरडाना खुर्द पहुंचे, जहां शहीद कुलदीप राव को माला पहनाकर नमन किया। अरविंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद कभी मरा नहीं करते, वे हमेशा हमारे बीच रहते हैं। देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले इन वीर सपूतों की जिंदगी दूसरों को प्रेरणा देने वाली बन जाती है। उन्होंने कहा कि झुंझुनू जिला एक वीरों की भूमि है।